अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज मीट गड्डी। तो व्यूअर्स, आज हम आपको रोहू मछली को बोनलेस करने का तरीका बताएंगे। अभी हमने सिल्वर फिश को किया था, आज इंशाल्लाह हम इसको रोहू मछली को बोनलेस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, ये रोहू मछली काला रोहू व्यूअर्स इसको बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मछली को बनाते हैं। ये व्यूअर्स, हमारी मछली एक साइड से साफ हो गई है, अब ये दूसरी साइड आने शुरू कर दी है। ये उतार के व्यूअर्स हम, तो व्यूअर्स आप मेरी वीडियो को देखा कर, जब देखते हैं तो फिर लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें। व्यूअर्स कोई भी अगर आपको मालूम चाहिए व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, और अगर ना अच्छी लगे तब भी कमेंट किए मेरे व्यूअर्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। व्यूअर्स आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है। व्यूअर्स असल में ये मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद ये है व्यूअर्स, कि आप बहन भाइयों को, सबको, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, इन सबको ये पता लग जाए कि असली मछली कौन सी और नकली कौन। व्यूअर इसी तरह एक थैली मछली होती है, मैंने आगे की वीडियो में बताया है रोहू की तरह, लेकिन उससे जो है ना वो रोहू करके भेजते हैं, लेकिन होती वो थैल है, थैली बोलते हैं उसे हमारी जुबान, सेम यही चीज़ होती है व्यूअर्स, लेकिन उसका ये आगे से ना सिर्फ ये मुँह बड़ा होता है व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा होता है सर उसका। आपसे व्यूअर्स एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें। ठीक है, ये हमारी मछली तैयार होगी व्यूअर्स। ये व्यूअर्स हम अब इसकी कटिंग शुरू करने लगे हैं, सफाई हमारी होगी फिर इसकी। और व्यूअर्स कोशिश किया करें कि बोनलेस जो फिश करानी हो ना, वो पीस बड़ा हो, कम से कम 2-2.5 किलो का पीस हो। ये अभी हमारा ये 2.5 किलो का पीस है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें से फिर वो जब हम बोनलेस करते हैं इसको काफ़ी सारी जाया भी होती है व्यूअर्स, लेकिन जैकेट में सबसे अच्छी ये इस तरह अंदर से फुल मुकम्मल सफाई की जाए। अभी मैं इसको खोलता हूँ व्यूअर्स, आपको कोई नहीं बताया। फिर इसको साफ करके बोनलेस करें, ये जी बीस की अगर ये मंदी आती है, ये उतर देने पर फिर बड़ा सफाई से आपको फिश बन जाती है, जायका भी बरकरार रहता है, ये कड़वी होती है व्यूअर्स जी। व्यूअर्स ये फार्मी फिश है, अगर देसी हो ना ठंडे पानी की दरिया की, व्यूअर्स उसका तो रोहू का तो क्या ही बात है, जायके में तो कमाल, सबसे ज़बरदस्त जायका इसका रोहू का हमारी देसी मछलियों में। व्यूअर्स Thank you.
ये भी हमारी मछली बिल्कुल साफ हो गई है, आप अभी इसको अभी फोन कर सकते हैं। ठीक है भैया, चेक किया करें ये भी कुछ, ये इसका एक पता लिया आपने, ये भी छुरी आपने बिल्कुल इस तरह इसके साथ साथ चला दी, इसके कांटों के साथ साथ कांटे हमने निकाल दिए, ये सारे कांटे, ये भी बस ये सिर्फ इसे आप बोलते हैं वाइट मीट भी, बस ये मीट रह गया सिर्फ। ये आपने बस देखना है कि इसको काटना किस किस जगह से, ठीक है, ये हमने कटिंग किस तरह करनी है बस। ये आपने कांटे नजर आ रहे ना आपको, बीवर से अलग हुए हुए साइड से, ये ठीक है, बस हमारा ये बोनलेस हो गया। ठीक है भैया, ये जो व्यूअर्स मछली बाकी बची है ना, इसको आप ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, और ये देखें व्यूअर्स ये गोश्त है, ये व्यूअर इसके आप कर लेते हैं इतने इतने, ये जो बाकी ये कांटे वाले साबुत है, ठीक है, इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब ये हो गया हमारा वो बोनलेस, ठीक है, और इसको आपने जिस तरह के पीस चाहिए आपको, लेकिन हमने ये फ्राई करनी है बिल्कुल पतले पतले पीस करेंगे, ठीक है, ये इसी के आप फिंगर भी व्यूअर बना सकते हैं, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल गोश्त अलग से, ये आपको बता रहा है इसलिए व्यूअर्स के आपको पता लगे ये बोनलेस हो चुकी है। ये व्यूअर यकीन माने ये काला रूप बड़े मजे की मछली होती है, और इसको यहाँ से हमने इस तरीके से काटे, ये देखा है अगर व्यूअर इसमें कांटे होते हैं ना तो ये कांटों की आवाज आती कटने की, ये ये व्यूअर्स मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि बोनलेस करके दें, मैंने उनके लिए किए। एक होती है इससे इसको बोनलेस करो जो ये ऊपर से स्किन भी उतर जाती है व्यूअर्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मौका मिला तो व्यूअर्स आपको बताएंगे कि स्किन उतार के भी जो बोनलेस होती है ना वो भी बताएंगे, और स्किन उतार के वैसे भी जो बनती है सालन के लिए या फ्राई के लिए वो भी बताएंगे। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको अपने होस्ट राजा नईम की वीडियो पसंद आई है व्यूवर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स क्या करें व्यूवर्स किसी किस्म की मालूम की ज़रूरत हो जो, ठीक है व्यूवर्स, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नईम को इजाज़त दें, अल्लाह पाक आपने आपको अपने रहमान में रखें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।